हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नहीं कोई खौफ दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे क्यों धरती से गम को। तकरीब में आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम ने धाक बिछा दी। गजनबी, अब्दाली, नसर और क्रूज मिसाइल का रोगो दबदबा। जमीन से फजा में मार करने वाली गन्स की भी नुमाइश। लिहाजा हम खत्ते में अमन और तरक्की के मुखालिफीन को खैर सगाली का पैगाम देना ज़रूरी समझते हैं, लेकिन ये भी वादे करते हैं कि हमारी अमन दोस्ती को कमजोरी समझना खतरनाक गलती होगा। भारत कश्मीरियों पर जुल्म बंद करे, अमन दोस्ती को कमजोरी समझना खतरनाक होगा। सदर ममनून हुसैन की पड़ोसी को वार्निंग, अफगानिस्तान में अमन के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। तकरीब से खिताब, दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां देने वालों के लिए तमगा अज़्म का ऐलान। सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत के रंग झलकते रहे। फ्लोट पर इलाकाई रक्स, फनकार झूमते नजर आए। मुत्तहिदा अरब अमारात के दस्ते की पहली बार यौम पाकिस्तान की परेड में शिरकत। उर्दन के मिलिट्री बैंड ने जीवे जीवे पाकिस्तान की धुनों से दिल जीते। चांद मेरी जमीन, फूल मेरा वतन। जिंदा दिल कौम यौम पाकिस्तान शायाने शान तरीके से मना रही है। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी। मजार कायद और इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीर। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। यौम पाकिस्तान का आगाज होते ही मीनार पाकिस्तान रोशनियों में नहा गया। मजार कायद पर भी आतिशबाजी के हसीन नजारे। डेरा बुगटी में सब्ज़-लाली परचमों की बहार, रैली में हजारों अफराद की शिरकत। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। कुरम एजेंसी टांक में भी तकरीबात। नई दिल्ली में यौम पाकिस्तान की तकरीब। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने कौमी परचम लहराया। मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल पुरम तरीके से हल करने पर जोर। कश्मीरियों के दिल में भी पाकिस्तान, पाक सरजमीन शादबाद की गूंज। आसिया अंद्राबी ने तकरीब में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। मैं हूं तो मार्शल लॉ नहीं, न मार्शल लॉ बाहर से, न मार्शल लॉ अंदर से। पाकिस्तान में सिर्फ एक तर्ज हुकूमत है और वह तर्ज हुकूमत जमहूरियत है, जमहूरियत है और जमहूरियत है इंशाल्लाह ताला इंडिपेंडेंट इलेक्शन। जुडिशल मार्शल लॉ का कोई तस्वीर नहीं। पाकिस्तान में सिर्फ एक तर्ज हुकूमत, जमहूरियत, जमहूरियत, जमहूरियत। मैं हूं तो मार्शल लॉ नहीं, चीफ जस्टिस का वाज़े पैगाम। लोगों के वोटों की कदर है, आजादाना इलेक्शन होंगे। लाहौर में तकरीब से खिताब। आइंदा आधी पीएसएल पाकिस्तान में होगी। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी का ऐलान। तीन से चार टीमें हमारे यहां आने के लिए रास्ते में हैं। मीडिया से गुफ्तगु। नेशनल स्टेडियम में तैयारियों का जायजा भी लिया। पेशावर जर्मी के कप्तान मैच के साथ दिल जीतना भी खूब जानते हैं। टीम के हमरा कराची पहुंचे तो मुनफरिद अंदाज में एंट्री, एयरपोर्ट पर झूमते रहे। चाहने वालों ने भी भरपूर वेलकम किया।
दिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, बच्चों की ट्यूशन का देसी विलायती स्टाइल सोशल मीडिया पर हिट। बात हो रही है उसके हवाले से भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको कराची लिए जाते हैं जहां पर सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शेरी रहमान इस वक्त मीडिया से बात कर रही हैं। थाना है तामीरी, इसमें सॉल्यूशंस हल ढूंढने हैं, इज्तिमाई हाउस को एक आवाज बन के पाकिस्तान की इस वक्त खारजा हालत क्या है, आपके खारजा वजीर ट्विटर अकाउंट पर तबाही फेरते हैं, आज भी उन्होंने यूनाइटेड किंगडम बरतानिया के खिलाफ ट्वीट ऐसे ही बगैर सोचे ट्वीट डाल दिया है, उधर जो खारजा वजीर नहीं करता, उधर उन्होंने जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जनीवा में इजलास हो रहा था उन्होंने बगैर सोचे समझे ट्वीट डाल दी, फिर उसके बाद पाकिस्तान पर एक्शन लिया गया, गैर रस्मी इजलास हुआ तो इस गैर रस्मी इजलास का जिम्मेदार कौन था कि एक्शन किस पर लिया गया, पाकिस्तान का खारजा वजीर, बजाय उसके कि वह पाकिस्तान को तकवीत दें, चार साल वजीर था नहीं, हमने मांग मांग के शोर मचा मचा के चेयरमैन बिलावल ने मुतालबा कर करके ये वजारत लगाई है और फिर अब उन्होंने एम्बेसडर लगा दिया जिस पर नैब की इंक्वायरी चल रही है, अल्लाह जाने ये हुक्मरान क्या सोच रहे हैं क्या समझ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की अवाम की तकवीत उनकी तरजीह में से नहीं है। अच्छा मैडम, ये बताएं कि इमरान खान आपके इंतखाब के हवाले से जो इमरान खान की हठधर्मी थी वो भी एक सामने आई और मैं ना मानू वाली बात थी, हालांकि फिगर सारे आपके पास पूरे थे, तो ये जो इमरान खान की हठधर्मी है इस पूरी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अल्लाह की जात सबसे बड़ी है और हक का फैसला हुआ है हमारे साथ, वोट थे सारे और हमें ये मनसब फिर से मिला है, इमरान खान की जमात को शिकस्त हुई है, लेकिन हम इक्तदार में हमेशा अपोजिशन में अपने दरवाजे खुले रखते हैं। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शेरी रहमान मीडिया से बात कर रही हैं, इसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन अभी बात करेंगे यौम पाकिस्तान की। बात हो रही है उसके हवाले से भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको कराची लिए जाते हैं जहाँ पर सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शेरी रहमान इस वक्त मीडिया से बात कर रही हैं। थाना है तामीरी, इसमें सॉल्यूशंस हल ढूंढने हैं, इज्तिमाई हाउस को एक आवाज़ बन के पाकिस्तान की इस वक्त खारजा हालत क्या है, आपके खारजा वजीर ट्विटर अकाउंट पर तबाही फेरते हैं, आज भी उन्होंने यूनाइटेड किंगडम बरतानिया के खिलाफ ट्वीट ऐसे ही बगैर सोचे ट्वीट डाल दिया है, उधर जो खारजा वजीर नहीं करता, उधर उन्होंने जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जनीवा में इजलास हो रहा था उन्होंने बगैर सोचे समझे ट्वीट डाल दी, फिर उसके बाद पाकिस्तान पर एक्शन लिया गया, गैर रस्मी इजलास हुआ तो इस गैर रस्मी इजलास का जिम्मेदार कौन था कि एक्शन किस पर लिया गया, पाकिस्तान का खारजा वजीर, बजाय उसके कि वह पाकिस्तान को तकवीत दें, चार साल वजीर था नहीं, हमने मांग मांग के शोर मचा मचा के चेयरमैन बिलावल ने मुतालबा कर करके ये वजारत लगाई है और फिर अब उन्होंने एम्बेसडर लगा दिया जिस पर नैब की इंक्वायरी चल रही है, अल्लाह जाने ये हुक्मरान क्या सोच रहे हैं क्या समझ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की अवाम की तकवीत उनकी तरजीह में से नहीं है। अच्छा मैडम, ये बताएं कि इमरान खान आपके इंतखाब के हवाले से जो इमरान खान की हठधर्मी थी वो भी एक सामने आई और मैं ना मानू वाली बात थी, हालांकि फिगर सारे आपके पास पूरे थे, तो ये जो इमरान खान की हठधर्मी है इस पूरी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अल्लाह की जात सबसे बड़ी है और हक का फैसला हुआ है हमारे साथ, वोट थे सारे और हमें ये मनसब फिर से मिला है, इमरान खान की जमात को शिकस्त हुई है, लेकिन हम इक्तदार में हमेशा अपोजिशन में अपने दरवाजे खुले रखते हैं। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शेरी रहमान मीडिया से बात कर रही हैं, इसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन अभी बात करेंगे यौम पाकिस्तान की, जिस पर वतन को अजीम से अजीम तर बनाने का अज़्म, इस्लामाबाद शक्करपड़ियां परेड ग्राउंड में मुसल्ला फौज की पुरवकार तकरीब हुई, शानदार फॉर्मेशन। बात हो रही है उसके हवाले से भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको कराची लिए जाते हैं जहाँ पर सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शेरी रहमान इस वक्त मीडिया से बात कर रही हैं। थाना है तामीरी, इसमें सॉल्यूशंस हल ढूंढने हैं, इज्तिमाई हाउस को एक आवाज बन के पाकिस्तान की इस वक्त खारजा हालत क्या है, आपके खारजा वजीर
ट्विटर अकाउंट पर तबाही फेरते हैं। आज भी उन्होंने यूनाइटेड किंगडम बरतानिया के खिलाफ ट्वीट ऐसे ही बगैर सोचे ट्वीट डाल दिया है। उधर जो खारजा वजीर नहीं करता, उधर उन्होंने जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जनीवा में इजलास हो रहा था, उन्होंने बगैर सोचे समझे ट्वीट डाल दी। फिर उसके बाद पाकिस्तान पर एक्शन लिया गया, गैर रस्मी इजलास हुआ, तो इस गैर रस्मी इजलास का जिम्मेदार कौन था कि एक्शन किस पर लिया गया? पाकिस्तान का खारजा वजीर। बजाय उसके कि वो पाकिस्तान को तकवीत दें, चार साल वजीर था नहीं, हमने मांग मांग के शोर मचा मचा के चेयरमैन बिलावल ने मुतालबा कर करके ये वजारत लगाई है, और फिर अब उन्होंने एम्बेसडर लगा दिया जिस पर नैब की इंक्वायरी चल रही है। अल्लाह जाने ये हुक्मरान क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की अवाम की तकवीत उनकी तरजीह में से नहीं है। अच्छा मैडम, ये बताएं कि इमरान खान आपके इंतखाब के हवाले से जो इमरान खान की हठधर्मी थी वो भी एक सामने आई, और मैं ना मानू वाली बात थी, हालांकि फिगर सारे आपके पास पूरे थे, तो ये जो इमरान खान की हठधर्मी है, इस पूरी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अल्लाह की जात सबसे बड़ी है और हक का फैसला हुआ है हमारे साथ, वोट थे सारे और हमें ये मनसब फिर से मिला है। इमरान खान की जमात को शिकस्त हुई है, लेकिन हम इक्तदार में हमेशा अपोजिशन में अपने दरवाजे खुले रखते हैं। सेनेट अपोजिशन लीडर शरी रहमान मीडिया से बात कर रही हैं, इसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन अभी बात करेंगे यौम पाकिस्तान के, जिस पर वतन को अजीम से अजीम तर बनाने का अज़्म। इस्लामाबाद शक्करपड़िया परेड ग्राउंड में मुसल्ला फौज की पुरवकार तकरीब हुई। शानदार फॉर्मेशन ने